आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ब्लॉक प्रमुख चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से की मीटिंग, दिया दिशा निर्देश। गाजीपुर में जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्लॉक प्रमुख चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराए जाने के दृष्टिगत ADM, CDO, SP, RA, SPCT, समस्त सर्कल CO, SDM के साथ मीटिंग की गई। चुनाव में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। मीटिंग में सभी थानों के थाना प्रभारी भी मौजूद थे। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट। कल 10 जुलाई और ऐसे में ब्लॉक प्रमुख का जो है चुनाव, सुरक्षा के दृष्टि से किस तरह की तैयारियां और क्या करें? आज अभी हम लोगों ने, हमने और DM साहब ने जनपद गाजीपुर के समस्त जो थाना अध्यक्ष थे, क्षेत्राधिकारी थे और SDM साहबान थे, सबकी बैठक करके सबको ब्रीफ कर दिया है और बता दिया है कि किसी भी दशा में जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका कोई उल्लंघन नहीं करेगा। जैसे कि 500 मीटर दूर पे सारे बैरियर बनाए गए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो वाह बैरियर है उससे केवल वोटर यानी VDC अपने जो जीते हुए सर्टिफिकेट और आइडेंटिफिकेशन के साथ वहां पे पहुंचेंगे, वोट डालेंगे और चले जाएंगे। 11 बजे से 3 बजे तक ये मतदान होगा, 3 बजे के बाद काउंटिंग होगी। उसके बाद जनपद स्तर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे निर्वाचन की घोषणा करेंगे और उनको सर्टिफिकेट निर्गत कराएंगे। सभी जिन 13 ब्लॉकों पे चुनाव होना है सब में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता है और बता दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी आदमी, किसी भी वोटर को, किसी भी व्यक्ति को जो वोट की प्रक्रिया में शामिल हो रहा है और उसके लिए बोनाफाइड है, उसको किसी भी तरह से कोई अगर बाधित करेगा, भयकारित करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे में 10 तारीख को ही परिणाम भी घोषित करेंगे, प्रत्याशी जीतेंगे तो विजय जुलूस और तमाम तरह की व्यवस्था नहीं? बता दिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया, कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा। जो लोग जीतेंगे सीधे यहाँ जनपद मुख्यालय पे आएंगे और यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर के और पुलिस सुरक्षा में अपने अपने घर जाएंगे। सर, ऐसे में क्या पेट्रोलिंग की व्यवस्था की? पूरी तरीके से पेट्रोलिंग पार्टियां हमारी घूमती रहेंगी और सतर्क दृष्टि रखेंगे। कोई भी अगर कानून व्यवस्था को, की स्थिति को चैलेंज करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।